ऑफ कोर्स मैंने इनसे पूछा था कि आशिकी टू में मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे गाने का एक मौका देना देना प्लीज़ प्लीज़। तो उसने बोला कि उन्होंने बोला कि चलो गा के सुनाओ। और जब मैंने गाया तो इन्होंने बोला अच्छा ओके दैट्स ऑल ही सेड। सो अगर उन्होंने इस फिल्म में मुझे मौका नहीं दिया होता तो आई वुड हैव फेल्ट बैड आई थिंक। सो आई एम रियली रियली हैप्पी दैट ही डिड। एंड गलिया अनप्लग्ड आई मीन व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग टू गेट। एंड बहुत ही कम लोगों को इतना खूबसूरत गाना मिलता है। एंड इट्स डूइंग सो वेल दैट वी आई मीन आई कुडंट इमेजिन दिस काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग ऑन गलिया अनप्लग्ड एंड द रेस्ट ऑफ द एल्बम ऑफकोर्स। So of course from real life now in real life I'm singing and with Mohit, so it's great. Well, जैसे मैं कहता हूँ श्रद्धा मेरी फेवरेट है ही, there's no denial about that. If I have a few friends in this industry, there's no one better than her and Aditya who have shared, जो जिनके साथ मैंने एक बहुत emotional सी picture बनाई थी. But मैंने I am not here to make any friendship when I'm making a movie or try to you know, do something else for other people. मैं बहुत ही selfish आदमी हूँ मेरी पिक्चर की तरफ. और मैंने हमेशा श्रद्धा को ये कहा है कि मेरी फिल्म से बड़ी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है. एंड अगर मुझे ये नहीं लगता कि सचमुच में ये दिस कुड एड समथिंग मोर टू माई फिल्म, आई थिंक द एडवांटेज जो दैट श्रद्धा हैज़ इज ये पिक्चर जी चुकी है. शी इज़ बीन लिविंग थ्रू द होल फिल्म. रियाज एक्चुअली करना चाहिए बट not that much actually, but it's something that I really want to do. थोड़ा बहुत किया है मेरे ग्रैंड फादर के साथ, मॉम के साथ. मेरी मॉम बहुत अच्छा गाती है तो उनके साथ किया है जब भी टाइम मिला है थोड़ा सा. बट समवेयर इट्स कम डाउन इन द जीन्स अ लिटिल बिट दैट आई कैन सिंग लिटिल बिट. सो इट्स नाइस.